On Friday evening, near Shahara Beda on Tata Raji NS33 under Chandil Police Station area, a high-speed trailer went out of control and rammed into a roadside shop. The trailer was going from Rachi to Jamshedpur. According to the information, the uncontrolled trailer hit a bolero and two bikes parked some distance away from the road and entered the shop. However, no one was injured in this incident. Two motorcycles, a bolero, and two shops were damaged in the incident. The bolero belongs to Ajsu Party's Chandil Block President Duryodhan Gop. Duryodhan Gop got off the vehicle and went to a hotel in front of to have tea. During the time of incident, 7 persons were present in the shop. Somehow, everyone saved their life. करीब कल शाम का घटना है, लगभग 6 बजे के आसपास वहाँ पे ये, हालांकि ये जो रोड है इस साइड में जो चांडिल से आती है, उस बाएं साइड का रोड बंद पड़ा हुआ है, जो चिलगू से कटिंग किया हुआ है, राइट साइड में सरबड़ा से आगे उसका कटिंग है। वही शाम 6 बजे का घटना है, यहाँ पर सारे लोग भी थे, यहाँ पर बैठे हुए, दो बाइक भी आगे खड़ी थी, तो बिल्कुल सुरक्षित जगह में खड़ी थी, ऐसी बात नहीं कि कहीं, क्योंकि रोड बंद है और किनारे करके सब लोग खड़े थे। हम भी वहाँ पर अपना गाड़ी खड़ा करके, और यहाँ पर जो झोपड़ी है जो देख रहे हैं, ये झोपड़ी के अंदर में, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ जगह था, इसमें दुर्घटना की कोई बातें नहीं थे, रोड से काफ़ी दूर है। यहाँ पर हम लोग कभी तकरीबन 10-12 लड़के थे, और अचानक इस बीच में एक, ये तो देख रहे, अनियंत्रित होकर के एक ट्रेलर जो कि उस साइड में था, वो डिवाइडर से टकराने के बाद वो सीधे इधर वो फुल स्पीड से रुक किया। जैसे ही हम लोग देखें कि ट्रेलर इधर से आ रहा है, तो हम लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर से भागे, तो उसी भागने के बीच में दरमियान में जो है कि सभी किसी को खरोंच लगा, किसी को पैर में चोट लगा, किसी को हाथ में लगा, उसमें ये मेरे को भी लगा है हाथ में, और उंगली में लगा, पैर में भी लगा है, तो प्राथमिक उपचार किए हैं। भाग्य साली रहे कि हम लोग उसमें ध्यान दें कि ट्रेलर हम लोगों के तरफ आ रहा है, तो आप लोग जान का तो क्षति नहीं हुआ, लेकिन माल का क्षति हुआ है, कि क्षति जिसमें कि एक बोलेरो और दो मोटरसाइकिल, क्योंकि एक लोकल आदमी का भी मोटरसाइकिल, एक सैलून जो था, ये जो झोपड़ी है ये सैलून है, ये बेचारा एक गरीब है जो दिन भर अपना मजदूरी करता है और घर जाता है, दिहाड़ी मजदूर बोले तो जब तक काम करेगा खाएगा, नहीं तो भूखे मरेगा। आज उसका स्थिति देखिए, आज पूरा झोपड़ी गिर गया, जो भी मेहनत से बनाया था, आज उसका कहाँ बैठने के लिए उसका कहीं मतलब जगह नहीं है। तो देखिए, अभी गाड़ी मालिक जो आए हुए हैं, अब उम्मीद करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई करें, और जो हुआ, जो होना था वो तो हो चुका है, अब कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन हम गाड़ी मालिक से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि जो जिसका झोपड़ी टूटा है, जिसका गाड़ी का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कर दें। अभी संपूर्ण रूप से हुआ नहीं है, और अभी मालिक आए हैं, उनके साथी भी आए हैं, हमारे ग्रामीण लोग भी है, यहाँ का ग्राम प्रधान है, मुखिया जी है, और स्थानीय ग्रामीण सभी लोग हैं, और सभी लोगों का यही निर्णय रहेगा और यही फैसला होना चाहिए कि जो किसी का भी नुकसान जो हुआ है वो भरपाई करें।